हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि शुरुआती महीनों में प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज होना, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या इसमें हमको घबराने की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या फिर ये नॉर्मल होता है। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें पूरी जानकारी के लिए। देखिए, प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज होना, शुरुआत के महीनों में जैसे ब्राउन डिस्चार्ज होना, ये कॉमन है। देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज होता क्यों है, जब आपका कोई पुराना ब्लड रुका हुआ है आपके सर्विक्स में, यानी कि बच्चे दानी के मुंह पे थोड़ा बहुत रुका हुआ है और वो सर्विक्स के इरिटेशन के बाद जो है बाहर निकल के आता है, यानी कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं या फिर आपका नीचे से अगर एग्जामिन हो रहा है चेकअप के दौरान, तो उसके बाद हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना है कि आपको हल्का फुल्का होना चाहिए, अगर ज़्यादा ये हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसके अलावा ब्राउन डिस्चार्ज होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है नीचे, आपके पेशाब में इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और वहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, ताकि ये जो इन्फेक्शन है वो ऊपर तक ना बढ़े। इसलिए आपको पहले ही ट्रीटमेंट लेना है ताकि जो बच्चा है वहाँ तक इन्फेक्शन ना पहुँचे, यूट्रस तक, आपके बच्चेदानी तक इन्फेक्शन ना पहुँचे और बच्चा भी सुरक्षित रहे। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है, इसको बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करनी है। देखिए, जब इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो उसमें ब्राउन डिस्चार्ज के साथ आपको क्रैम्पिंग होना, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यूरिन करने समय, पेशाब करने समय आपको जलन होना, पेशाब थोड़ी थोड़ी करके आना आपकी, तो इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है। नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें कोई भी पेन नहीं है तो उसको आपको नॉर्मली लेना है। अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज के साथ पेन भी हो रहा है, क्रैम्पिंग भी हो रही है, साथ में आपके जो नीचे वजाइना है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो ये इन्फेक्शन का लक्षण भी हो सकता है। तीसरा कारण होता है ब्राउन डिस्चार्ज होने का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्या होती है, कैसे हो जाती है, तो उसको आप देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प उससे आपको मिलेगी। मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपनी मेन जगह पे ना होके, यानी कि यूट्रस में ना होके, बच्चेदानी में ना होके, वो फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरीज में हो जाती है। मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में होती है, तो ट्यूब में अगर वो हो रही है तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी और एक समय के आते आते वो फट जाएगी, क्योंकि ट्यूब जो होती है काफ़ी धागे की तरह पतली होती है और जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जाएगा, बच्चा ग्रो होगा, तो वो ट्यूब जो है फट जाएगी, कारण भी आपको जो है ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। बिल्कुल भी उसमें वेट नहीं करना है। ब्राउन डिस्चार्ज के साथ आपको पेन भी होगा, क्योंकि आपके जो ट्यूब में बच्चा है तो वहाँ पे आपको ज़रूर इससे अनकंफर्टेबल और पेन महसूस हो सकता है, पेन ज़रूर महसूस होगा, तो इस पे आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन हो सकती है, इससे मदर को काफ़ी रिस्क रहता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। ब्राउन डिस्चार्ज होने का चौथा कारण होता है आपका जो प्लेसेंटा है, यानी कि आंवल है, वो बच्चेदानी के मुँह पर है, यानी कि नीचे वाले एरिया पर है, जिसे लो लाइनिंग प्लेसेंटा कहते हैं। इस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो लो लाइनिंग जब प्लेसेंटा होता है तो हल्का फुल्का भी अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर नीचे से आपकी जांच हो रही है वजाइना से, तो वहाँ पे जो है आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। हल्की फुल्की ब्राउन डिस्चार्ज होना इसमें नॉर्मल है, अगर ज़्यादा हो रही है तो उस पर आपको ज़रूर अपने गायनिक को दिखाना चाहिए। लास्टली यही कहूँगी कि ब्राउन डिस्चार्ज में अगर आपको कोई पेन नहीं हो रहा है और हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको आपको नॉर्मल लेना है। ये जो पुराना ब्लड होता है, हल्का फुल्का जो सर्विक्स एरिया में बचा हुआ ब्लड होता है वो बाहर आता है, तो इस पर आपको घबराना नहीं है अगर इसके साथ कोई इचिंग, कोई पेन नहीं हो रहा है तो। अगर इसके साथ आपको पेन हो रहा है, काफ़ी क्रैम्पिंग हो रही है, साथ में निचले हिस्से में काफ़ी इचिंग हो रही है और पेन हो रहा है, तो इस पर आप समझ जाइए कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या फिर लो लाइनिंग प्लेसेंटा भी हो सकता है। तो आई होप आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लेडीजों को इससे हेल्प हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।